Like a bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम आपको पता है Wi-Fi Success Classes। जी हाँ, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 100% 8 नंबर का मिलता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का, भूलना नहीं भाई। इस चैप्टर से 8 नंबर का श्योर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसमें कोई फालतू की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया। 100% मॉडल में देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, 8 नंबर का लिखा होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से 8 नंबर का आएगा। और किसी भी साल का एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, किसी पिछले वर्ष का पेपर उठा के देख लेना, 8 नंबर का इस चैप्टर से श्योर मिलता है। इसके बाद में जो चैप्टर आएगा उससे 4 नंबर का श्योर आता है। चलिए हम 8 नंबर का पहले पढ़ लेते हैं। आज स्टार्ट करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट करेंगे तो हम इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम देख लेते हैं कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे उसकी अक्ष के परिता तेजी से घुमाया जाता है तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब यहाँ कुंडली की बात की है तो हेडिंग भी हम डाल देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग रहेगी हमारी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परिता घूमती कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हमारी हेडिंग रहेगी आज की। इसी हेडिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किस प्रकार से प्रेरित होता है, कितना होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमें मानना क्या है? हम मान लेते हैं, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली, आयताकार या सीधा सीधा हम एक कुंडली ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, जो आपकी इच्छा हो मान सकते हैं पी क्यू आर एस, इस प्रकार रखी है, इस प्रकार रखी है कि उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाती है तथा इसे अक्ष के परिता कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हमने मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक कुंडली है पी क्यू आर एस, जो इस प्रकार रखी है कि उसकी अक्ष
चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाती है तथा इसे अक्ष के परिता कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है। कोणीय वेग ओमेगा समझते हैं ना आप, कोणीय विस्थापन वटे समय। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा सा एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बताने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग समझते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो या एक समान वैद्युत क्षेत्र, हम सीधी सीधी लाइन है पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र या एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका सो हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक कुंडली इस प्रकार रख दी है और उसकी अक्ष जो है सही बना ना, सही बना होगा आपको तो अच्छा ही दिख रहा होगा। यहाँ से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो इसकी अक्ष जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब कुंडली आपकी है पी क्यू आर एस। ठीक है, जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखकर कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है। अब घुमाया किधर जाएगा, तो इसको घुमाया जा रहा है दक्षिणावर्त दिशा में। जैसे इस तरीके से मान लीजिए आपकी कोई इस प्रकार की कुंडली है। ठीक है, अब उसको ये चुंबकीय क्षेत्र है और ऐसे कोई कुंडली रखी है। अब इसको दक्षिणावर्त दिशा में इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, इस तरीके से घुमाना है दक्षिणावर्त दिशा में, क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं, क्लॉकवाइज इसको घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर यहां पर हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो कुछ ना कुछ समय लगेगा जिसमें कि ये थीटा या अपनी स्थिति से थीटा या कुछ भी एंगल विस्थापित होगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यदि कुंडली कुंडली पी समय में टी समय में थीटा कोण विस्थापित होती है, कुंडली टी समय में थीटा कोण विस्थापित होती है, तब अच्छा जब कुंडली प्रारंभ में रखी होगी तो प्रारंभ में मान लेते हैं कि कुंडली का जो तल था वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था। कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था, तो इस स्थिति में इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, और जब हमने इस कुंडली को घुमाना स्टार्ट किया दक्षिणावर्त दिशा में, तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहां पर परिवर्तन हम बाद में, यहां पर हमने टी समय में क्या किया कि हम पहले प्रारंभ स्थिति में, यहां पर इसको बाद में लिखेंगे, सॉरी थोड़ा इसको बाद में लिखेंगे, डीपली समझा रहा हूं आपको क्योंकि 8 नंबर का यह चैप्टर आता है तो समझ लीजिए। तो किसी क्षण जब कुंडली क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो इस क्षण इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। ठीक है, तो अधिकतम होगा तब कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होना चाहिए, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ चुके हैं ना, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी आया है, कुछ याद आया होगा, हाँ फाई बी बराबर होता है आपका वी ए, जो कुंडली का क्षेत्रफल है उसको हमने मान लिया कि ए है, तो फाई बी ए बराबर कॉस थीटा। ठीक है, अब जब किसी क्षण कुंडली में यहाँ कॉस थीटा, किसी क्षण जब कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम था
तो यहां पर थीटा इक्वल जीरो, तभी तो अधिकतम होगा। ठीक है, जब कुंडली का तल मतलब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के ठीक लंबवत होगी तो इसका जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। जब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा बराबर यहाँ क्या यूज करेंगे, जीरो अंश। थीटा बराबर जीरो अंश यूज करेंगे तो फाई अधिकतम होगा, फाई बराबर बी है। अब अगर हम मान लें कि कुंडली का तल किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है, तब यहां क्या होगा, फाई बी बराबर वी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं कि कुंडली जो है वो टी समय में, अल्पांश समय टी समय में अपनी स्थिति से थीटा विस्थापित हो जाती है। माना कुंडली टी समय में अपनी, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट दे देते हैं, अपनी स्थिति से थीटा कोण विस्थापित हो जाती है। जब वो अपनी स्थिति से थीटा कोण विस्थापित हो गई, कंडीशन ये रही, अब थोड़ी सी विस्थापित हो गई, थीटा कोण हमें प्रारंभ में छोटा ही मान लेते हैं कि थोड़ी सी विस्थापित हो गई, तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, होगा ना। कैसे होगा जरा देखो, यहां पर ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं, मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसी जा रही हैं। अब यहां पर हमने जब तल ऐसे रखा था तो ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी ना। जब किसी के सामने ऐसे रखेंगे कोई तल बिल्कुल ठीक सामने, तो उधर से जो चुंबकीय बल रेखाएं आ रही होंगी छुक छुक करती हुई, तो इससे ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। और जब हम इसके तल को थोड़ा सा तिरछा करेंगे मतलब घुमा देंगे थोड़ा सा, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या होगी उनमें परिवर्तन होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यहां पर तब हम लिख सकते हैं, तब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्या निकालना है हमें, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है, वो भी टी समय में, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण एक का परिवर्तन होगा तो उसको निकालना है। तो समीकरण एक का जब, यहां पर समझिए बात को, समझ लीजिए कि जब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ना। तो यहां पर हमें परिवर्तन निकालना है मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, तो समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो भैया। यहां पर लिखेंगे परिवर्तन, तब समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो अवकलन यहां पर डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल आपका हो जाएगा वी ए, यहाँ लगा दीजिए भाई, मानोगे नहीं तुम लोग, वैसे तो हम आगे लिख देते तो कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ थीटा आ गया भाई, हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आपको पता है चूंकि थीटा बराबर होता है विस्थापन, थीटा बराबर होता है, यहाँ विस्थापन लिखा है तो विस्थापन ओमेगा टी। ठीक है, कोणीय विस्थापन बराबर होता है कोणीय वेग गुणे समय। ठीक, अच्छा बोल दिया भाई मैंने, कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय वेग गुणे समय।
तो यहां पर थीटा के स्थान पर हम ओमेगा टी रख देंगे। अच्छा यहां पर आपको पता है कि डी फाई बी अपॉन डी टी, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो यहां पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है तो इसका मतलब इसका मान हो गया ई। क्लियर है ना? लेकिन 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 यहां पर जो ई आया है, ठीक, चलिए अभी रख देते हैं, बाद में बात करेंगे क्या आया है। अच्छा अब आपका इसको बदलना है पहले, इसलिए मैं कह रहा था। तो यहां वी और ए दोनों आपके कांस्टेंट हैं, क्योंकि अवकलन या समाकलन हमें उन्हीं राशियों का करना होता है जो अवकलन या समाकलन के लिए वेरिएबल होते हैं। तो यहां पर अवकलन के लिए वेरिएबल है थीटा, एंगल, एंगल यानी कि ओमेगा टी। तो आपका जो वी ए है चुंबकीय क्षेत्र और ए जो आपका कुंडली का क्षेत्रफल है, ये इधर बाहर रहेगा तो डी ओवर डी टी और कॉस ओमेगा टी। क्लियर हो गया ना? अच्छा ये तो हमने रख दिया। अब यहाँ पर उसका मान हमने ई रख दिया, इधर कॉस ओमेगा टी का अवकलन करना है। कॉस ओमेगा टी अगर कॉस थीटा होता और यहाँ पर डी ओवर डी थीटा होता तब तो अवकलन इजी हो जाता, सीधे सीधे कॉस कॉस थीटा का अवकलन, कॉस थीटा का अवकलन माइनस थीटा, माइनस साइन, क्योंकि साइन थीटा का अवकलन होता था प्लस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। अब यहां पर जरा देखना, हमने जो पढ़ा था पिछली क्लास में यानी कि पिछली वीडियो में, तो डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल होता था माइनस ई के होता था, यस। तो यहां पे हमें माइनस लगाना है। क्लियर हो गया ना? हाँ। अब यहां पर माइनस आ गया, अब इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये हमने एक लाइन खींच दी, क्योंकि इधर हमारा इसी टर्म को लिखना है, तो माइनस ई बराबर। अच्छा जरा करना भाई, देख लेना, वी ए तो हमने लिख ही दिया है। अच्छा कॉस ओमेगा टी का आपको करना है समा अवकलन, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा होता, मान लेते हैं थीटा इक्वल हमारा क्या है ओमेगा टी है, तो यहाँ पर पहले कॉस थीटा का करेंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस लगा दिया और साइन थीटा यानी कि ओमेगा टी रख दिया। अब ओमेगा टी का करेंगे जिसको हमने माना था, तो जिसको माना था ओमेगा टी, इसका टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष सिर्फ बचेगा ओमेगा टी, टी तो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पर इनटू में आ जाएगा ओमेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ई इक्वल आपका क्या आया वी ए और ओमेगा, बी ए ओमेगा पहले लिख लेते हैं और फिर लिखते हैं साइन ओमेगा टी, इतना हो गया। अच्छा ये तो भाई हमने कुंडली घुमाई थीटा कोण पर, कुंडली घुमाई टी समय में, तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया। अब ये विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया तो किस क्षण ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा, तो जरा देखिए किस क्षण अधिकतम होगा, जब कुंडली ठीक चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होगी, जब कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत होगी तब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। तो लंबवत होने के लिए यहाँ साइन ओमेगा टी जो है इसका अधिकतम मान एक होना चाहिए, अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए, अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए, ठीक, साइन ओमेगा टी का मान 1 होना चाहिए। साइन ओमेगा टी का मान कितना होना चाहिए,
वन, तो साइन ओमेगा टी का मान जो है वन होना चाहिए। क्लियर है? जब यहां पर साइन ओमेगा टी का मान वन होगा तो यहां पर ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, वी ए। अब यहां पर छोटी सी और हम आपको बात बता रहे हैं, ये हमने यहां पर फेरों की संख्या नहीं मानी। अगर बाई चांस आपका आ जाता है कि भैया फेरों की संख्या भी है, तो फेरों की संख्या है तो घबराना बिल्कुल मत। फेरों की संख्या तो यहां पर अगर फेरों की संख्या है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो यहां पर कैपिटल एन आ जाएगा। यहां लिख देना, जहां जहां एन फेरों की संख्या है, कुंडली में कितने फेरे हैं, कितने तार के फेरों को लगाकर लपेट कर कुंडली बनाई गई है, तो एन फेरों की संख्या हो जाएगी। यहां लिख देना, जहां एन फेरों की संख्या है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होने के लिए हमने बताया आपको कि कुंडली जो है चुंबकीय बल रेखाओं के ठीक लंबवत होनी चाहिए। अब लंबवत होनी चाहिए तो इस स्थिति में साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान एक होना चाहिए। अब साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान एक होगा तो इस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो अधिकतम होगा। कितना होगा? अधिकतम। तो इस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जीरो, जिसको हम अधिकतम या शिखर मान या आयाम कहते हैं, तो ई जीरो बराबर आपका हो जाएगा एन वी ए और ओमेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर इसको समीकरण दो डाल देते हैं और इसको समीकरण हमने डाल दिया तीन। तो ये समीकरण दो व तीन से देखेंगे तो यहां लिख देते हैं समीकरण दो और वह तीन से, तब आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर ई जीरो और साइन ई बराबर ई जीरो और साइन ओमेगा टी। क्लियर है ना? कैसे हुआ? एन वी ए ओमेगा के स्थान पे हमने ई जीरो रख दिया, ई जीरो रखा तब आपका ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी बन गया, ठीक है। चलिए, अच्छा डेरिवेशन है। अब यहां पर कंडीशन क्या आती है, ये तो हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लिया। अब चैप्टर का नाम है भैया कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता हमने तो निकाला विद्युत वाहक बल, और हमें चाहिए प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो घबराइए बिल्कुल मत। यहां पर क्या है कि अगर इस कुंडली का संबंध किसी परिपथ से कर दिया जाए, ठीक है, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच या परिपथ के सिरों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर स्थापित हो जाएगा। किसके कारण? इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कुंडली में उत्पन्न हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब इस कुंडली का संबंध किसी बाह्य परिपथ से होगा तो उसके सिरों पर यह प्रत्यावर्ती यानी कि कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न कर देगा, इसे ही हम प्रत्यावर्ती विभवांतर या प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक, यदि परिपथ, सॉरी 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 कुंडली, यदि कुंडली का संबंध संबंध वाह्य परिपथ से हो तो उसके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती विभांतर उत्पन्न हो जाता है। अब प्रत्यावर्ती है या नहीं है ये तो हमें पता है कि प्रेरित तो हो रहा है, अब प्रत्यावर्ती है कि नहीं है तो हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल की कंडीशन देखेंगे तो विद्युत वाहक बल जब प्रारंभ में कुंडली हमारी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी
इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स जीरो होगा, यानी कि जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, हमारे हाथ की तरफ देखना, जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगी तब इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य होगा। तो प्रारंभ स्थिति में हम मान लेते हैं कि हमारी कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो इस स्थिति में इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स शून्य है, यानी कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। और परिवर्तन भी नहीं हो रहा है तो सीधे से बात है, इस स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जीरो होगा। जैसे ही हमने कुंडली को घुमाया, कितना घुमाया, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घुमाने पर इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो इस स्थिति में कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा, यानी कि इस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। क्लियर है? अच्छा, अब हमारी कुंडली 90 डिग्री घूम चुकी थी भाई। अब इसके बाद में जैसे ही हमने कुंडली को 90 डिग्री और घुमाया, यानी कि कुंडली हमारी पहुंच गई 180 डिग्री पर, इस स्थिति में जो चुंबकीय बल रेखा है पहले जो खूब ढंग से गुजर रही थी, ज्यादा से ज्यादा गुजर रही थी, जैसे ही हमने कुंडली को 180 डिग्री पर कर दिया, तो 180 डिग्री करने पर कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फिर कम हो गई, जीरो हो गई। तो इस स्थिति में कुंडली से या कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जीरो हो गया। फिर हमने इसको कुंडली को घुमा दिया वन एट्टी और प्लस 90, यानी कि 270। 270 एंगल पर, यानी कि 270 अंश के कोण पर जब हम कुंडली को घुमाते हैं, तो फिर कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। मतलब कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। इस स्थिति में इससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अधिकतम होता है। अधिकतम होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी अधिकतम होता है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि प्रारंभ में जब कुंडली का तल 0 डिग्री पर था, ठीक है, 0 डिग्री पर था, यानी कि कुंडली जो थी समांतर थी, ठीक है, हम कुंडली को समांतर मान लें, कुंडली समांतर थी, तो समांतर का मतलब कुंडली आपकी ऐसी थी, ठीक, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, ये इस तरीके का हम चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, और कुंडली बिल्कुल इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसी थी, तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल भी नहीं होंगी, मतलब शून्य होंगी। तो कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स यानी कि जीरो होगा, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जीरो, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने इसको 90 डिग्री घुमाया, तो 90 डिग्री घुमाने पर जो इसका तल होगा ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस स्थिति में जो हमारी कुंडली घूमी, यानी कि यहां पर जो एंगल है, सीधा सीधा मैं एंगल दिखा रहा हूं आपको, तो इसको साफ कर दूं, इसको साफ कर दूं, सीधे सीधे कंडीशन क्या होगी, अब आपको यहां से कुंडली घूमेगी जब 90 डिग्री पर आ गई, ठीक है, 90 डिग्री, यहां पर कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो अधिकतम होगा। फिर इसके बाद में जैसे ही कुंडली घूमेगी 180 डिग्री, तो यहां पर एंगल हो गया 180, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो गया जीरो, ठीक है, यानी कि E बराबर जीरो, और यहां आपका E बराबर हुआ E जीरो। अच्छा, इसके बाद में कुंडली का दूसरा सिरा विपरीत, तो विपरीत यहां पर जब 180 में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यहां पर E बराबर हो गया E जीरो, लेकिन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो यहां पर एंगल कितना हुआ, 270 डिग्री। फिर इसके बाद में हमने कुंडली को घुमाया, तो
तो यहाँ पर एंगल हुआ 360 डिग्री और ई का मान हुआ 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंडली के पूरे एक चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका 2 बार मान अधिकतम और 2 बार मान न्यूनतम होता है। उसके बाद में जब इसकी दिशा बदलती है तो कुंडली के आधा चक्कर पूर्ण होने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा रहती है वो एक दिशा में, और दूसरे आधे चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होता है दूसरी दिशा में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये आवर्त रूप में होता है, आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है। अब आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, जब इस कुंडली का संबंध हम किसी बाह्य परिपथ से करेंगे तो इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ के सिरों पर कुछ ना कुछ विभवांतर स्थापित होगा। उस विभवांतर जो वो विभवांतर होगा वो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण में बराबर होगा। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, तो इसका मतलब है कि जब परिपथ के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर इसके इक्वल होगा, इसके बराबर होगा, इसी प्रकार का होगा, तो कुंडली में जो परिपथ में जो उत्पन्न परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो भी आवर्ती रूप से ही चलेगा, यानी कि आवर्ती रूप से ही परिवर्तित होगा। तो विभवांतर आपका इस प्रकार से विभवांतर भी आवर्ती रूप से परिवर्तित होगा। तो यहां पर अब बात आई कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो विभवांतर के बराबर होता है, तो यहां लिख सकते हैं हम अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल विभवांतर को स्थापित करता है, विभवांतर को स्थापित करता है। क्लियर है? अब विभवांतर को स्थापित करता है तो विभवांतर जिसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं, प्रत्यावर्ती किस लिए कहते हैं समझ गए ना, क्योंकि ये आवर्त रूप से परिवर्तित होता है, आवर्ती रूप में होता है, ठीक है, आवर्त रूप में या आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है, इसीलिए हम इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता कहते हैं। तब प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होगा? तब प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण क्या होगा? समीकरण तो V बराबर V0, भाई उसका भी तो अधिकतम मान आएगा, जिस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है उसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी अधिकतम मान होगा, ठीक है। 0 से अधिकतम जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर दूसरी दिशा में अधिकतम होगा, फिर 0 जाएगा, फिर दूसरी दिशा में अधिकतम होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका B बराबर, जिस प्रकार हमारा ये समीकरण निकला है ना, E बराबर E0 sin ωt, तो इसी समीकरण से B बराबर आपका हो जाता है V0 sin ωt। तो ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। अब प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण आ गया, तो इसी प्रकार आपका परिपथ का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध होगा तो उसमें जो प्रवाहित धारा का समीकरण होगा तो धारा का भी समीकरण होगा, ठीक है। तो अब धारा का समीकरण क्या हो जाएगा? तब धारा का समीकरण, तब प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, सॉरी, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, यस, समीकरण क्या होगा?
वो होगा आई बराबर आई जीरो और साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती और धारा का समीकरण हो गया। अब यहां पर इस समीकरण को हम देखते हैं, जो ई जीरो है वो कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, जिसको हम शिखर मान या आयाम भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो बी जीरो और आई जीरो है ये प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा तथा प्रत्यावर्ती धारा के आयाम अथवा शिखर मान कहलाते हैं, अधिकतम मान कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा देंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा साफ कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा साफ करूंगा, करना तो पूरे साफ है लेकिन फिर भी कुछ चीजों को मैं साफ नहीं करूंगा। यहां पर अब हमारी हेडिंग रहेगी प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा क्या है, परिभाषा दोनों की सेम होती है। जब हम वोल्टता की परिभाषा देंगे तो वहां पर वोल्टता यूज करना, जब प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा देंगे तो वहां पर धारा को यूज करना, धारा शब्द लिखना है। तो हम यहाँ पर परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं, ऐसी वोल्टता जो एक निश्चित समय या समय के अनुसार आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, ऐसी वोल्टता जो समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती है तथा, अब आवर्ती रूप से बदलती है तो यहां पर आवर्ती रूप से बदलती है किस किस में इसके परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है दिशा और परिमाण में। यहां पर परिमाण क्या था, अधिकतम, और यहां परिमाण कितना हुआ, जीरो। तो इन शब्दों को भी यूज करना है, तो परिभाषा इन्हीं से हम बनाते हैं अपनी परिभाषा को, कि यहाँ दिशा भी बदल रही है और परिमाण भी बदल रहा है। क्या क्या बदला, परिमाण भी बदला और दिशा भी बदली। तो ऐसी वोल्टता अथवा ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा में आवर्ती रूप से बदलती है, ठीक है, तथा एक निश्चित समय के पश्चात उसी परिमाण के साथ उसी दिशा में उसकी पुनरावृत्ति होती है या पुनरावृत्ति को दोहराता है, ठीक है, या पुनरावृत्ति करती है। कैसे, यहां पर परिभाषा लिख देता हूं अच्छे से, कई लोग कमेंट करते हैं कि समझा दिया लेकिन लिखी नहीं आपको। तो ऐसी वोल्टता, ऐसी वोल्टता जो समय के साथ दिशा व परिमाण में आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है तथा एक निश्चित समय के बाद
उसी परिमाण के साथ, उसी परिमाण के साथ परिमाण व दिशा, उसी परिमाण व दिशा में पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दोहराती है, दोहराती है या पुनरावृत्ति करती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ऐसी वोल्टता जो समय के साथ दिशा व परिमाण में आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व दिशा में पुनरावृत्ति दोहराती है। जरा देख लीजिए हमारा अच्छा सा चित्र और खराब चित्र, ठीक है। तो एक निश्चित समय के बाद, निश्चित समय के बाद मतलब यहां से स्टार्ट हुआ जब कुंडली पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो यहां पर समय की बात अगर हम करें तो प्रारंभ में समय था 0, बाद में यहां पर समय कितना हुआ T/4, ठीक है, चौथाई समय लगेगा। आवर्त काल की हम अगर बात करेंगे कि आवर्त काल क्या होता है, तो कुंडली को पूरा एक चक्कर लगाने में, कुंडली को अपना पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरी एक साइकिल करने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का आवर्त काल आता है, तो उसके लिए हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता की पूरी एक साइकिल, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता को पूरी एक साइकिल करने में जितना समय लगता है, अपनी पूरी एक साइकिल करेगी, पूरी एक साइकिल करने में जितना समय लगता है उस समय को ही प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता का आवर्त काल कैपिटल टी कहते हैं। तो पूरी एक साइकिल कब होगी, जरा हम इस पार्ट को साफ कर रहे हैं यहाँ पर। अब जरा देखिए भाई, पूरी एक साइकिल अगर आपको दिखानी है तो इस सिरे को आराम से पकड़िए, आराम से पकड़िए, यहाँ पे रख दीजिए। जब इस सिरे को यहाँ से पकड़ के यहाँ रखेंगे तो हमारी कंडीशन ऐसी बन जाएगी। अब जरा देखिए, पूरी एक साइकिल हो गई, इसको मैंने छुपा लिया, इसको क्या किया, इधर पकड़ के रख दिया। अब इधर पकड़ के हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, इसको पकड़ के इधर रख दिया, तो पूरी एक साइकिल हो गई, इसको मैंने छुपा लिया क्योंकि इधर से ये चला गया। तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपनी पूरी एक साइकिल करने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्त काल, ठीक है, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो आवर्त काल किस प्रकार हम यहां पर दर्शाएंगे, तो जरा देखिए, कुंडली हमारी आ गई सामने। कुंडली प्रारंभ में ऐसी थी 90 डिग्री पर, तो कुंडली ऐसी हुई, तब कुंडली चौथाई आवर्त काल मतलब T/4 आवर्त काल का समय ले चुकी होगी। मतलब जो समय लिया है कुंडली ने 90 डिग्री घूमने में, T/4 समय लिया। फिर उसके बाद में जब 180 डिग्री घूमती है कुंडली अपनी प्रारंभिक स्थिति से 180 डिग्री, तब उसका समय हो जाता है T/2 आवर्त काल, आधा आधा पूरे आवर्त काल का आधा समय ले लेती है। और जब कुंडली विक्षेपित होती है 270 अंश, तो समय हो जाता है 3T/2। फिर उसके बाद में जब पूरा चक्कर एक लग जाता है 360 डिग्री पर, तो कहानी पहुंच जाती है, पूरा आवर्त काल हो जाता है T। अच्छा, एंगल यहाँ पर अगर हम दर्शाएं तो यहाँ 0 डिग्री हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया 90 डिग्री, यानी कि π/2 लिखते हैं यहाँ पर, या 90 डिग्री लिख दीजिए। और यहाँ पर जो समय हुआ, एंगल हुआ, वो हुआ π/180, और यहाँ पर जो समय होगा, यहाँ पर आपका समय हो जाएगा 3π/2, वो सॉरी जो कोण है वो हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पर जो एंगल है वो 2π हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2π, 3π गड़बड़ तो नहीं हो गया,
गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी कुंडली घूमती रहेगी और कुंडली के घूमने से प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता की ही हम बात करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा आगे जब उत्पन्न होगी तब उसको देखेंगे। तो जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता दोनों की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परिभाषा सेम रहती है। तो प्रत्यावर्ती जब वोल्टता स्थापित होगी, वोल्टेज कहीं पर स्थापित होगा तो धारा तो प्रवाहित होगी, ये तो श्योर है ना। चलिए, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा जो धारा होती है वो समय के साथ दिशा व परिमाण में आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से बदलते रहते हैं, एंगल बदलता है, एंगल के हिसाब से उसका समय भी बदलता है। तो यहां से प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब ये तीन चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन इसके बाद में हमें इनसे संबंधित और भी कुछ परिभाषाएं इस चैप्टर में देखनी है, ठीक है। आवर्तकाल तो आपका हो ही गया, आवर्तकाल क्लियर हुआ ना। चलिए, अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर सुन लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता, चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टता पहले कर दीजिए, चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टता बाद में कर दीजिए। प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा अपनी पूरी एक साइकिल करने में जितना समय लेती है उसे प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का आवर्तकाल कैपिटल टी कहते हैं। और कैपिटल टी क्या है? समय है। तो कैपिटल टी जब समय है तो इसका मतलब हो गया कि इसका मात्रक सेकेंड रहना है, ठीक है। अब अच्छा, कैपिटल टी बराबर आवर्तकाल बराबर होता क्या है? तो यहाँ पर आवर्तकाल, आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर क्या होता है? तो आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर कुंडली द्वारा पूरा एक चक्कर करने में चली गई दूरी। अब चली गई दूरी कितनी होगी भाई? चली गई दूरी का मतलब है यहाँ पर जो कोणीय विस्थापन अपनी अक्ष के परिता जो घूम रही है तो कोणीय विस्थापन से मतलब होगा। तो कुंडली अपने पूरे एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन करेगी? ये तो भाई बहुत इजी था। क्या था? 2 पाई, क्योंकि 360 डिग्री, जीरो से और 360 अंश घूमकर जीरो पर आती है, तो कोणीय विस्थापन टोटल कितना होगा? चली गई दूरी कितनी होगी? ठीक, तो 360 डिग्री, 360 अंश घूम जाती है, ठीक। एक चक्कर लगाएगी तो 360 अंश घूम जाएगी ना। क्लियर है कि नहीं है? हाथ को घुमाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, हाथ मेरा पूरा नहीं घूम सकता, फिर भी आप समझ लीजिए। ऐसी थी, घूमी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, अब भाई नहीं घूम रहा, अब इसको ऐसे कर लिया, तो ये 360 डिग्री। यानी कि कुंडली को पूरा एक चक्कर लगाने में, अब पूरे एक चक्कर में प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वो प्रेरित विद्युत वाहक बल एक चक्कर में 2 बार अधिकतम होते हैं, 2 बार न्यूनतम होते हैं। यानी कि 2 बार अधिकतम हो जाते हैं विपरीत दिशा में और 2 बार जीरो हो जाते हैं एक चक्कर में। तो आवर्तकाल कैपिटल टी इक्वल 2 पाई अपॉन, अरे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आवर्तकाल, ठीक। मात्रक सेकेंड, शेक हैंड नहीं होता है, सेकेंड होता है, तुम लोग तो शेक हैंड करने लगे। चलिए, इसके बाद में बात आती है शिखर मान आयाम की। तो यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान अथवा आयाम, तो प्रत्यावर्ती धारा हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का शिखर मान। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का शिखर मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा हो या वोल्टता हो, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता दोनों आवर्त रूप में,
चलती हैं या आवर्त रूप से गति करती हैं, आवर्ती रूप में गति करती हैं। तो आवर्ती रूप में गति करते समय जो ये अपना अधिकतम मान, जो इनका अधिकतम मान होता है आवर्ती रूप से गति करने पर, जो इनका अधिकतम मान होता है उसी को प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा का शिखर मान कहते हैं, और जिसे हम लिखते हैं बी जीरो अथवा आई जीरो से। प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टता आवर्ती रूप से चलते हैं, तो आवर्ती रूप से चलने पर जो ये अधिकतम मान प्राप्त करते हैं उसी अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। यह प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान हो गया इस डायग्राम के अनुसार, और ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, यहाँ जीरो आ गया, और यहाँ विपरीत दिशा में हो गया आई जीरो, और यहाँ विपरीत दिशा में हो गया ये बी जीरो आपका, ठीक। फिर यहाँ जीरो हो गया, तो ये हो गया प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, शिखर मान हो गया, इनके समीकरण भी हमने आपको बता दिए कौन कौन से, V बराबर V0 sin ओमेगा t और I बराबर I0 और sin ओमेगा t, यही तो समीकरण थे ना। अब यहां पर हम बात आवृत्ति की ओर कर लेते हैं, आवृत्ति क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता एक सेकेंड में जितनी साइकिल पूर्ण करती है उसकी संख्या को प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा की आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति मान लेते हैं कि इसका आवर्तकाल कितना है कैपिटल टी, तो आवृत्ति को स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ बराबर हो जाता है वन अपॉन टी कैपिटल टी। ये क्या है आपकी आवृत्ति, इसका मात्रक प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड या यहां पर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स, ये आवृत्ति है आपकी, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं आवृत्ति एफ बराबर, ठीक, सेकेंड अथवा इसका मात्रक, तो ये तो कभी कभी देखने को मिलेगा, दूसरा क्या होता है हर्ट्ज, क्या होता है हर्ट्ज, ठीक, जिसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं एच जेड से, ठीक। अच्छा यहां पर टी का मान रख देते हैं, तो एफ इक्वल क्या हो जाता है वन अपॉन, अच्छा भाई टू पाई था टी और अपॉन में ओमेगा था, तो ओमेगा पहुंच गया ऊपर, तो एफ इक्वल क्या हुआ ओमेगा अपॉन टू पाई हर्ट्ज, ठीक। तो ये आवृत्ति की बात हो गई। अब यहाँ पर एक परिभाषा और आती है कला, कला जरूर समझ लीजिए भाई, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता दोनों कला खाते रहते हैं, और ये कला में ही गड़बड़ हो जाता है। बच्चे समझते हैं इसको अच्छा है, पढ़ते अच्छा है, लेकिन कला तो कला होती है, कला खा गए, जहां पे आप कला खा गए वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसकी कला को समझ लीजिए, कला क्या होता है, जो हमारे परिपथ होते हैं उनमें प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता समान कला में भी हो सकती है और असमान कला में भी हो सकती है, मतलब इनके बीच कला में अंतर भी हो सकता है। कला होता क्या है, तो ये जो आप दोनों समीकरण देख रहे हैं ना, कला का मतलब क्या है कला, ठीक है, जिसको हम कलांतर भी बोलते हैं, कला अथवा कलांतर, ठीक। तो कला अथवा कलांतर क्या होता है, जो आपको ये समीकरण दिख रहा है बी बराबर बी जीरो साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, इसमें जो साइन का कोणांक है, साइन का कोणांक, इसको हम क्या बोलते हैं कोणांक, कोण अंक कोणांक, जो साइन का कोणांक है ये धारा
और वोल्टता की कला को प्रदर्शित करता है। और जब साइन के इस कोणांक में अंतर होता है, इन दोनों समीकरणों के जब इस साइन के कोणांक में अंतर होगा, कोण के मान में अंतर होगा, तभी इनके बीच होता है कला में अंतर। अगर साइन का कोणांक दोनों समीकरणों का बराबर है, चाहे कोई सा भी परिपथ हो, परिपथ हम आगे पढ़ेंगे बराबर होता है या नहीं होता है ये भी हम जानेंगे, लेकिन हम आपको यहां पर इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि जो साइन कोणांक, साइन का जो कोणांक है, अगर दोनों समीकरणों का साइन का कोणांक बराबर रहता है तो ये एक समान कला में कहलाएंगे, ठीक है, समान कला में। अगर इनमें अंतर होता है, साइन के कोणांक में अंतर होता है, तब इनके बीच हो जाएगा कला में अंतर, और जिसको हम कहते हैं कलांतर, ठीक है। जब प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में नहीं होते हैं, इनकी कला में अंतर होता है। अब कला में अंतर होने का मतलब पता चला प्रत्यावर्ती वोल्टता पहले आ गया, धारा पीछे पीछे चल रही है, ठीक है। पता चला कि प्रत्यावर्ती जो वोल्टता है वो एक कला पूरी कर गया, मतलब घूम गया। यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता उच्चतम मान पर पहुंच गई और प्रत्यावर्ती धारा अपने न्यूनतम मान पर पड़ी है, मतलब जीरो पर पड़ी है। तो इस कंडीशन में जब कोणांक, साइन का कोणांक इनका भिन्न भिन्न होगा, दोनों समीकरणों में साइन का कोणांक जब भिन्न भिन्न होगा, तब इनके बीच कलांतर होगा। यानी कि कला की परिभाषा है कि साइन के कोणांक को हम कला कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता की कला कहते हैं, जो साइन का कोणांक प्रदर्शित करता है, ठीक। ये तो हो गई थी इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज की बात, मतलब इसमें से आपको इनका उपयोग सबका होगा, क्योंकि आप कोई सा भी डेरिवेशन हल करेंगे, कोई सा न्यूमेरिकल हल करेंगे, तो इनका प्रयोग बहुत अच्छे से होगा। और आपको ये अच्छे से आना भी चाहिए कि भाई प्रत्यावर्ती धारा आवर्ती रूप से कैसे बदलती है, या प्रत्यावर्ती वोल्टता आवर्ती रूप से कैसे बदलती है, 90 डिग्री इन ग्राफों में 90 डिग्री मान कहाँ पर होगा, 0 डिग्री कहाँ पर होगा। तो ये 0 हो गया, यहाँ पर आपका 90 डिग्री रहेगा पाई अपॉन टू, यहाँ पर आपका पाई रहेगा, यहाँ 3 पाई अपॉन 2 रहेगा, यहाँ पर 2 पाई रहेगा, इस तरीके से। अच्छा, ये आते कैसे हैं? तो हमारा पहले चलता है 0, उसके बाद में 90 अंश यानी कि पाई बाई 2 आ गया। अब पाई बाई 2 हर किसी में ऐड करते रहिए, इसमें पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई, तो दूसरे नंबर पर आपका तीसरे नंबर पर क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक है। या पहले 0 था, इसमें पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए, पाई बाई 2 ऐड किया तो कितना आ गया पाई बाई 2, तो यहाँ पर पाई बाई 2 हो गया। फिर इसके बाद में पाई बाई 2 में पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई, तो आपका पाई हो गया। अब इसमें ऐड कर दीजिए पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ऐड करेंगे 3 पाई बाई अपॉन 2, ये आपका हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे पाई बाई 2, तो 3 पाई अपॉन 2 और प्लस पाई बाई 2, तो इसका एलसीएम 2 हो गया, तो कुल मिला के ये 4 पाई और अपॉन 2, 2 से 4, यानी कि आपका 2 पाई, इतना ही रहा ना, क्लियर है। तो इस तरीके से जो कोण है, जैसे जैसे हमारी कुंडली घूमती रहती है उसी तरीके से कोण बदलते रहते हैं, और उसी तरीके से आवर्त काल का भी मान, यानी कि कहने का मतलब जो समय का मान है, कुंडली के घूमने पर कितना समय उसका, कितना आवर्त काल यूज हुआ। तो यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर कितना होगा पाई T/4, यहाँ पर कितना होगा तो T/2, यहाँ पर कितना होगा 3T/2, और यहाँ पर कितना हो जाता है, सॉरी, यहाँ पर T/3, T/4, और यहाँ पर T हो जाता है। तो इस तरीके से समय भी परिवर्तित होता रहता है, और जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता का पूरा एक चक्कर हो जाता है, तो उसका आवर्त काल पूरा एक चक्कर करने में जो समय लेता है वो कितना होता है, आवर्त काल, जिसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल T से। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए फिजिक्स।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया, उसको हम दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बताएंगे जरूर, समझाएंगे जरूर, लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट करिए, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक तो कर ही दिया करो। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, वैसे कुछ लोग कहते हैं मेरे पास से कुछ चला जाता है, जिन लोगों के पास से कुछ चला जाता है टेंशन नॉट, आप लोग लाइक नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए फिजिक्स अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। थैंक यू।